हाय एवरीवन, फिर से आपके एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में आप अदर वीडियो कैसे उसमें लगा सकते हैं। जैसे कि जो वीडियो आप अपलोड करते हैं उसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्शन में आप अपना दूसरा वीडियो कैसे डाल सकते हैं। 3-4-5 वीडियो आप आसानी से अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। गाइस, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो कैसे लगाया जाएगा और लगा भी देंगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा, तो गाइस ये तो आप बिल्कुल ही मत सोचिए या बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए जो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में कैसे लगाइएगा, क्योंकि गाइस आपका भाई जो है ना इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताएगा जो फ्रेंड आप अगर वो ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने वीडियो में जो है आसानी से 3-4-5 वीडियो डाल सकते हैं और गाइस उससे काफी लाभ है। मान के चलिए फ्रेंड, अगर उस वीडियो का आपके ऑडियंस वॉच करते हैं, ठीक है, अगर आपके ऑडियंस उस डिस्क्रिप्शन में गया, उससे होगा क्या फ्रेंड, वो वीडियो को तो आपके ऑडियंस देख ही लेंगे और साथ ही जो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे उस वीडियो को भी वो वॉच कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसलिए गाइस इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस आपका भाई जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो किस तरह से डिस्क्रिप्शन में आप 4-5 वीडियो अदर डाल सकते हैं। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे अपने इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राज, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल राजे ऑफिशियल ट्रिक्स। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में देखते हैं जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में 4-5 वीडियो अदर कैसे डाल सकते हैं। चलिए तो गाइस यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको www.youtube.com सर्च करके भी आप अपने चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ से फ्रेंड भी आप जा सकते हैं। YouTube लोगो पे अगर क्लिक करेंगे यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड हम YouTube लोगो पे ही क्लिक करेंगे। YouTube लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ऊपर में आपको दिख जाएगा 3 बिंदी टाइप को, उस बिंदी पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको डेस्कटॉप साइड यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये होगा जो आपका फ़ोन जो है ना सो डेस्कटॉप साइड में खुल जाएगी। डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल के लोगो आपको दिख जाएगा, जो भी लोगो आप लगाए रहेंगे वो लोगो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो उस लोगो पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा योर चैनल, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपका चैनल कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको कस्टमाइज चैनल, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ से आपको उस वीडियो का सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियो लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो वाली आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने से फ्रेंड आपके चैनल पर जितना भी वीडियो रहेगा वो सारी वीडियो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर जिस भी वीडियो में आप लगाना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियो, तो आप उस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा पेंसिल का आइकन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड इस साइड में दिख जाएगा आपको कार्ड, ठीक है, इस कार्ड वाली पेंसिल का आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से गाइस आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा वीडियो लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस दिखाते हैं जो कैसे लगाया जाएगा। यहाँ से गाइस आपको इधर आ जाना है। उसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा कार्ड प्लस कार्ड, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड आप वीडियो प्लेलिस्ट चैनल लिंक ये सारी चीज़ आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से गाइस फिलहाल हम जो है वीडियो पर ही क्लिक करेंगे। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे चैनल में जितना भी वीडियो ये सारी वीडियो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से गाइस आप कोई भी वीडियो एक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको टाइम लाइन यहाँ पे आपको सेट कर, ठीक है, जितने भी टाइम पर आप अपना वीडियो लगाना चाहते उतना टाइम यहाँ पर आप सेट कर लेंगे। यहाँ देखिए मान के चलिए फ्रेंड हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मान के चलिए हमको 5 मिनट पर लगाना, ठीक है। यहाँ पर हमारे वीडियो जो 5 मिनट चल जाएगी उसके बाद जो है ऑडियंस को दिखेगा। फ्रेंड यहाँ देखिए लग चुका है और लगने के बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं।
यहाँ देखिए आपको सेव का आइकन दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए फ्रेंड अभी इसलिए ये अनेबल नहीं है क्योंकि गाइस हम पहले से ही अपने वीडियो में इस जो वीडियो आपको दिखाए हैं अभी लगा के वो वीडियो हम लगा चुके हैं, ठीक है, इसलिए जो है नहीं लगा है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये हुआ फ्रेंड फर्स्ट तरीका, जो आप अपलोड किया हुआ वीडियो में आसानी से अपना वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड आप जिस समय आप कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उस समय उस वीडियो में कैसे लगाया जाएगा वो आप इस वीडियो में आप आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड फिलहाल बाइक चलेंगे, बाइक चलने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा क्रिएट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको अपलोड वीडियो दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको सेलेक्ट फाइल दिख जाएगा, ठीक है, इस सेलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक करना होगा। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस फाइल वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फाइल में जहाँ भी वीडियो रहेगा ये वीडियो आपको आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर फ्रेंड हमारी वीडियो सारी आ चुकी है, ठीक है। अगर फ्रेंड आपको यहाँ पर वीडियो नहीं आए तो यहाँ देखिए फ्रेंड आपको टैप थ्री लाइन दिखेगा, उस लाइन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से फ्रेंड पिक्चर वीडियो ऑडियो ये जो भी आप डालना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर देखिए पिक्चर सेलेक्ट किए तो आ गए, पिक्चर का जितना भी फोल्डर है सब आ गया, ठीक है। फिर से आपको लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है तो जितना भी आपके फाइल में वीडियो का फोल्डर लेगा वो सारी आ जाएगी, ठीक है। जिस भी फोल्डर में आप वीडियो रखे रहेंगे वहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम एक्सपोर्ट में रखे हैं तो यहाँ से ले लेंगे और जो भी वीडियो यहाँ पर आपको डालना होगा उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मान के चलिए फ्रेंड इसको हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ देखिए फ्रेंड वो वीडियो आ चुका है और अपलोड होना यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड सबसे पहले तो आपको जो है अपना वीडियो का डिटेल जो भी है डिस्क्रिप्शन टैग टाइटल ये सब थंबनेल वगैरह ये सब जितना जो भी किस है वो किस यहाँ से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको ऊपर में दिख जाएगा, यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए फ्रेंड वीडियो एलिमेंट्स, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। या तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड आप यहाँ नीचे में देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपके वीडियो के एलिमेंट्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा एड कार्ड, है ना, एड कार्ड, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पे इधर आएंगे और यहाँ पे एड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एड पे जो ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड किस इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड आ गया है हमारा कार्ड, यहाँ पर देखिए फ्रेंड इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर फ्रेंड आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगाइएगा या प्लेलिस्ट लगाइएगा या चैनल नेम लगाइएगा, तो ये जो भी किछ आप लगाना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल में फ्रेंड हम वीडियो लगाएंगे तो इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड हमारे फाइल में जितना भी वीडियो था सब वीडियो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड हम कोई भी वीडियो एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम सेटअप कर लेंगे जो कितने मिनट में हमें ऑडियंस को दिखाना है हमारा कार्ड, ठीक है, आई बटन जिसे आप बोलते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड आपका आई बटन भी लग जाएगा और आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले टाइम सेट कर लेंगे, तो यहाँ से मैंने कहा चलिए फ्रेंड हमको 2 मिनट में ये सेटिंग करना है, ठीक है। 2 मिनट डाल दिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाली आइकन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड लग चुका है, ठीक है। और गाइस अगर आप फिर से और वीडियो लगाना चाहते हैं तो फिर से आपको इस कार्ड पर क्लिक करना होगा। इस कार्ड पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड हमारे वीडियो जितना भी था हमारे फाइल में वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी वीडियो लगाना चाहते हैं और उस वीडियो को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है ये वीडियो लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसको भी आप टाइम सेट कर लेंगे, जैसे वो 2 मिनट में हम सेटिंग किए तो इसको हम क्या करेंगे 4 मिनट में सेट कर देंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड फिर से लग चुका है। फिर आपको अगर और वीडियो लगाना होगा तो फिर आप इस कार्ड पर ही क्लिक कीजिएगा और फिर से यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो पर क्लिक करने के बाद फिर आपके वीडियो आ जाएगी और फिर से आप नया वीडियो कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको फिर दिख जाएगा टाइमलाइन, इस पर आप फिर टाइमलाइन सेटिंग कर लेंगे। जैसे आप 2 पर 4 सेट कर लिए हैं, 4 पर सेट कर लिए, अब आप क्या करेंगे आप 6 पे सेट कर देते हैं, 6 पे सेट कर दिए है, उसके बाद फिर से इसे ऐसे करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड इतना सारा वीडियो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा चुके हैं, ठीक है। ये इतना सारा करने के बाद वहाँ उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सेव का आइकन दिख जाएगा, इस सेव वाली आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपके वीडियो में ये सारी वीडियो लग चुका है, यहाँ देखिए फ्रेंड सही के निशान आ चुका है, यहाँ पे ये सारी वीडियो आपको वीडियो में लग चुका है। अब फ्रेंड आपका वीडियो जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपके वीडियो में जो है ये सारी दिखने में आ जाएगा।
ठीक है प्रणाम। तो इस तरह से आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियो लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब बैक चलते हैं। तो गाइस आप समझ गए होंगे जो किस तरह से आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4-5 वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और गाइस इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर कंफ्यूजिंग होगा तो आप अपने भाई की इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और गाइस यहां इंपॉर्टेंट बात ये बता देते हैं, अगर फ्रेंड आपको YouTube रिलेटेड या YouTube के सेटिंग या अन्य कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो फ्रेंड आप अपने भाई की इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका भाई जो है उस टॉपिक पर जरूर आपको वीडियो बना के देंगे। तो गाइस जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आप एक लाइक कर देते हैं तो आपका भाई काफी मोटिवेट होता है और आपके लिए इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट बनाने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तो गाइस फिलहाल ओके बाय बाय।